डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लासेस ऑफ अरे अकाडमी वी आर स्टडिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर स्टैंडर्ड इलेवेंथ स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग कॉमर्स एंड हैज केप्ड अकाउंट्स एज ए पेपर प्रेजेंटली वी आर डूइंग डूइंग द जर्नल चैप्टर एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्सड एसेट फिक्सड एसेट के साथ हम उसका जर्नल के साथ कैसे हम डील करेंगे हाउ विल बी राइटिंग दैट पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपके इसमें जो बिजनेस मैन है उसका नाम नहीं दे रखा है तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश इसका नाम है नहीं तो हम लिखेंगे कि किसका बुक में है नहीं तो डैश दे देंगे इसमें और आपको पता है नारे फॉर्मेट कैसे होता है डेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट क्रेडिट और रुपीज का सिंबल होता है दोनों में और एक के ईयर लिखना होता है यहाँ पे यहाँ पे ईयर क्वेश्चन में दे रखा है आप ईयर लिख दो फर्स्ट वन पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स आपके इंडस्ट्री के अंदर जो अप्रैल वन का जो एंट्री है आपके ऑफिस में कुछ मशीन्स लग रखा है बिजनेस का उसके ऊपर रिपेयरिंग चार्जेस पे कर रहे हो एग्जिस्टिंग मशीन्स पे तो सिंपली रिपेयरिंग रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट या रिपेयर्स अकाउंट रिपेयरिंग चार्जेस या रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड तो इंक्रीज इन रिपेयर्स को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि खर्चा बढ़ गया और रिपेयर्स कैसे पे करा बताया नहीं तो इट इज योर्स कैश चेक में होता तो टू बैंक एसेट डिक कैश डिक्रीज हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड रिपेयरिंग चार्जेस एंड एग्जिस्टिंग मेशीनरीज देन अप्रैल वन के बाद अप्रैल टू सेकेंड को है अप्रैल सेकेंड को परचेज ने न्यू मशीनरी न्यू मशीनरी परचेज किया तो परचेजेस नहीं होगा परचेज जैसे होता है जैसे आप गुड्स खरीदते हो अगर आप मशीन का मर्चेंट हो मशीन बेचते हो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे परचेज नहीं करा यहाँ पे मशीन परचेज करा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट अप्रैल दो मशीनरी अकाउंट डेबिट इंक्रीजिंग एसेट इज डेबिटेड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बताए नहीं होगा इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड मशीन बढ़ा कैश घटा बींग न्यू मशीनरी परचेज बताया नहीं तो फॉर कैश कैश देके खरीदा होगा पेड फ्रेट एंड काटेज एंड मशीनरी तो मशीनरी का वैल्यू बढ़ाएगा चाहे सेकेंड हैंड मशीन या न्यू मशीन खरीद रहे हो तो उसके ऊपर वॉट खर्चा होगा तो मशीनरी का वैल्यू बढ़ाएगा तो अप्रैल तीन को अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू तो कैश अकाउंट एक एसेट बढ़ा दूसरा इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड लाइक दिस वन बीइंग फ्रेट एंड कार्टेज पेड ऑन निकली अगर सेकेंड हैंड मशीन खरीद के भी अगर पे करोगे तो ये सेम एंट्री पास होगा देन फोर्थ पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन द मशीन ये मशीन को ये जो नई मशीन खरीदा उसके ऊपर भाड़ा पे किया और इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया ये सेम एंट्री रिपीट होगा सेम एंट्री ये न्यू मशीन का वैल्यू बढ़ाएगा बिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन द न्यू मशीन इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड और इसको टोटल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पेज में देन विल सी द अबाउट द नेक्स्ट परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ये मशीन डीलर नहीं है सेकेंड हैंड मशीन खरीदा वो भी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड अट्ठारह हजार मशीनरी बट आपके लिए तो नहीं हुए सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड या मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बींग सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इंक्रीज इन असेट डेबिटेड डिक्रीज इन असेट क्रेडिटेड इससे पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द अबोव मशीन ये सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर जब रिपेयरिंग चार्ज पे करोगे छः तारीख को ई सेम एंट्री पास होगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू तो कैश अकाउंट बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस पेड ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी इसी मशीन के ऊपर ये मशीन को वैल्यू का वैल्यू बढ़ाएगा रिपेयरिंग ओवरऑलिंग अपना एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर करते है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होता इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड और आप टोटल करोगे एंड टोटल दोनों टाली कर रहा है about your explanations to the problem.